बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पैकिंग ऑफ होल की एग्जांपल को कवर करेंगे और इसके अंदर हम परमानेंट बैच की बेसिकली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस पर्पस के लिए हमारे पास केस जो है वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लाइक बेसबॉल, फुटबॉल एंड द बास्केटबॉल। एंड जब हम इस सिमुलेशन को रन करते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड इस प्रोसेस के अंदर इस सिमुलेशन के थ्रू जो रिक्वायर्ड हमारे पास एक्टिविटी है वो कुछ इस तरह से है कि जब पैकिंग होगी तो 3 टाइप ऑफ जो बॉल्स हैं एज इट इज़ वो हमारी इस सिस्टम से डिस्पोज होनी चाहिए और हर एक पैकेट के अंदर 3 बॉल्स जो हैं वो कंबाइन होगी और 8 सिंगल एंटिटी की सूरत में वो सिस्टम से एग्जिट करेंगी थ्रू परमानेंट बैच टाइप। जैसे आपको यहाँ पे देखें बेसबॉल आ रही हैं, फुटबॉल आ रही हैं और बास्केटबॉल आ रही हैं और जब पैकिंग होगी तो 3 टाइप जो है सेम कंसीडर करते हुए वो सिस्टम से डिस्पोज होंगी। आज हम इसकी सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे और इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले तो मैंने क्रिएट का मॉड्यूल जो है वो यूज़ किया है और इस मॉड्यूल का नेम जो है वो मेरे पास बेसबॉल क्रिएट के नेम से है और जो टाइप हमने टाइम बिटवीन अराइवल की डिफाइन की है वो रैंडम एस्पो है जिसकी वैल्यू 1 है। यूनिट्स हमारे पास ऑर्स में है और अदर जो फील्ड्स हैं उनको एज इट इज रहने दिया है जबकि एंटिटी टाइप को हमने बेस बॉल के साथ डोनेट किया है कि इस क्रिएट मॉड्यूल से जो भी एंटिटी आएगी उसकी टाइप हमने बेस बॉल बना दी है। इसको हमने ऐसा क्यों टाइप डिफाइन किया ये मैं लेटर ऑन आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। देन सेम केस हमने फुटबॉल के लिए किया है और एंटिटी टाइप यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल होगी और रिमेनिंग जो फील्ड्स हैं वो हमने सेम जिस तरह से बेसबॉल के लिए फील की थी उसी तरह से हम फुटबॉल के लिए भी करेंगे। और आफ्टर दैट हमने बास्केटबॉल के लिए भी सेम क्रिएट मॉड्यूल के अंदर जो एंटिटी टाइप है वो बास्केटबॉल की डिफाइन की है और इस मॉड्यूल का नेम बास्केटबॉल क्रिएट के नेम से डिफाइन किया और रेस्ट फील्ड एज इट इज़ हैं जैसी हमने फुटबॉल और बेसबॉल के लिए डिफाइन की है। जब हमने 3 टाइप्स ऑफ एंटिटीज की क्रिएशन डिफाइन कर दी है अब हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉल जो है उसके लिए लाइक टाइप ऑफ बॉल 1, 2 एंड 3 इसको मैं टाइप ऑफ बॉल 1 कह रहा हूँ, इसको मैं टाइप ऑफ बॉल 2 कह रहा हूँ और इसको मैं टाइप ऑफ बॉल 3 कह रहा हूँ। मुझे यहाँ पे एंटिटी पिक्चर जो है वो एक तो असाइन करनी है और उसके साथ साथ मुझे डिफाइन करना है एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इस एट्रीब्यूट का एक्चुअल यूजेज जो है वो हम यहाँ पे बैच टाइप के अंदर कॉल करेंगे और जिस टाइप की जो बॉल होगी उसको फिर हम उस एट्रीब्यूट की बेसिस पे कंबाइन करेंगे यूजिंग द बैच मॉड्यूल। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक बेसिक प्रोसेस से असाइनमेंट का मॉड्यूल हमने यहाँ पे एड ऑन किया है और यहाँ पे इसका नेम हमने टाइप ऑफ बॉल्स 1 के नेम से डिफाइन किया। मतलब जो भी एंटिटी इस बेस बॉल की क्रिएशन के नोड से आएगी उसको हमने टाइप मतलब 1 बॉल जो है वो डिफाइन की है और हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड किया है जिसका नेम जो है वो टाइप ऑफ बॉल्स है और न्यू वैल्यू के अंदर हमने उसकी वैल्यू 1 डिफाइन कर दी है। देन आप इसी मॉड्यूल की इसी असाइनमेंट मॉड्यूल की 2 मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करें और कॉपीज क्रिएट करने के लिए सिंपल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी की जो टी है कीबोर्ड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब आप उनको पेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगेन डेफिनेटली टाइप ऑफ बॉल 1 ही लिखा आ रहा होगा क्योंकि आपने इसी मॉड्यूल की कॉपीज क्रिएट की हैं तो आप उसको रीनेम कर दें टाइप ऑफ बॉल्स 2 और सेम जो हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया था अब यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने 2 डिफाइन कर दिया। मतलब कि जो एंटिटी हमारी इस क्रिएटेड नोड से आएगी उसको हमने एट्रीब्यूट 2 असाइन कर दिया है। देन हमारे पास जो थर्ड एंटिटी है जो कि बास्केटबॉल के क्रिएटेड मॉड्यूल से एड ऑन होगी सिस्टम के अंदर उसके लिए हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू 3 डिफाइन कर दी है और एट्रीब्यूट का नेम जो है वो तीनों मॉड्यूल के अंदर वो सेम ही रहेगा दैट इज टाइप ऑफ बॉल्स। लेटर ऑन आप जब ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें देन आपने बैच के मॉड्यूल को यहाँ पे एड ऑन करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे
जो इसकी बैच की फील्ड्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो बैच का नेम मैंने बैच टाइप ऑफ बॉल्स के नेम से डिफाइन किया है। देन यहाँ पे टाइप पे हम परमानेंट टाइप जो है वो यूज कर रहे हैं। प्रीवियसली मैंने टेम्परेरी टाइप की एग्जाम्पल करवाई थी, अब हम परमानेंट टाइप ऑफ बैच की एग्जाम्पल जो है वो कवर कर रहे हैं। देन बैच साइज मेरे पास यहाँ पे 3 है, मतलब कि मेरा एक पैकिंग जो होगी बॉल थी उसके अंदर 3 बॉल्स को मुझे पैक करके डिस्पोज करना है सिस्टम से। सेव क्रिएशन के अंदर हम लास्ट को यूज करेंगे और जो रूल हम डिफाइन कर रहे हैं डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ बाय एट्रीब्यूट। आप एंटिटी की टाइप के थ्रू भी उसको फर्दर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एंटिटी एनी एंटिटी के नेम से हमने इसको लास्ट टाइम परफॉर्म किया था डिफरेंट एग्जाम्पल में, क्योंकि इस एग्जाम्पल में मुझे सेम बेस बॉल को पैक करना है, सेम फुटबॉल्स को पैक करना है और सेम बास्केटबॉल को पैक करना है। दैट्स व्हाई मुझे एट्रीब्यूट की जो नीड है वो रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे असाइनमेंट के मॉड्यूल में एट्रीब्यूट डिफाइन किया था टाइप ऑफ बॉल्स जो कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। देन इसको ओके कर देंगे हम। देन डिसीजन होगा जब यहाँ पे बैच बन जाएगा उसने किस पैटर्न के बॉल में से आउट होना है। ये इस वजह से है ताकि हम एंटिटी की टाइप जो है जो पिक्चर है वो चेंज कर सकें। तो यहाँ पे डिसाइड के मॉड्यूल में मैंने डिफाइन किया है अगेन वही एट्रीब्यूट जो प्रीवियसली हमने डिफाइन किया था डेट इज टाइप ऑफ बॉल्स, बट इट शुड बी इक्वल टू 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है टाइप ऑफ बॉल की, मतलब यहाँ से जो एंटिटी डिस्पोज होगी इस बैच के मॉड्यूल से उसकी टाइप 1 है, 1 टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, तो वो इस असाइनमेंट के मॉड्यूल में जाएगी। अगर उसकी टाइप 2 है जो कि आपको यहाँ पे देखने लिखा भी नजर आ रहा है, तो वो इस पैटर्न फुटबॉल की असाइनमेंट में जाएगी। और अगर उसकी टाइप रेस्ट डेफिनेटली टोटल 3 टाइप्स हैं तो जो लास्ट फॉल्स क्रिएशन का मॉड्यूल है उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एंट्री टाइप 3 जो है वो पैटर्न बास्केटबॉल की असाइनमेंट के मॉड्यूल में जाएगी। इस असाइनमेंट के मॉड्यूल में हमने सिर्फ एक एंटिटी पिक्चर जो है वो असाइन की है दैट इज पिक्चर डॉट पैट 1। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं मैं आगे चल के भी बताता हूँ। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे पैटर्न फॉर फुटबॉल के लिए परफॉर्म करेंगे दैट इज पिक्चर डॉट पैट 2 एंड फॉर बास्केटबॉल दैट इज पिक्चर डॉट पैट 3 और देन सिस्टम से एंट्रीज जो है वो डिस्पोज हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे एंटिटी की स्प्रेडशीट पे जाएंगे और यहाँ से जो फुटबॉल बेसबॉल और बास्केटबॉल जो इस क्रिएट के मॉड्यूल से एंटिटीज एंटर होंगी उनकी इनिशियल पिक्चर की असाइनमेंट में हम फुट बी बेस बी और बास्केट बी के नेम से हमने पिक्चर्स की टाइप को डिफाइन किया है। इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर ये पॉइंट कवर कर चुके हैं बट आई विल एक्सप्लेन अगेन। आप सिंपल एडिट पे जाएंगे और एंटिटी पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। एंटिटी पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे किसी भी एक एंटिटी पे क्लिक करके उसकी कॉपी क्रिएट करें। कॉपी क्रिएट करने के बाद जो भी आपने कॉपी क्रिएट की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, आप उस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे अब आपने अपनी जो बेस बॉल है उसको ऐड कर देना है। सेम आप ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे फॉर फुटबॉल एंड द बास्केटबॉल। बेसबॉल की पिक्चर ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे और ये यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू के अंदर पिक्चर डॉट बेस बी के नेम से हमने इसका नेम डिफाइन कर दिया। सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है फॉर फुटबॉल लाइक फुट बी और बास्केटबॉल लाइक बास्केट बी या जो भी आप नेम डिफाइन करना चाहें। रेस्ट आपने यहाँ पे जो एंटिटी टाइप बनाई है दैट इज पिक्चर डॉट पैट 1, इस पर्पस के लिए आप अगेन एडिट के मॉड्यूल पे जाएंगे और एंटिटी पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। देन आप क्या करेंगे, पिक्चर डॉट पैट 1 की असाइनमेंट में आप लाइक एक पैटर्न बॉल या पैटर्न के को शो करने के लिए 3 बॉल्स को यहाँ पे शो करें, मतलब 3 टाइम आप इसकी बेस बॉल की कॉपी जो है वो ऐड करेंगे और देन यहाँ पे मैंने सिंपल इस लाइन की हेल्प से यहाँ पे एक बॉल्स ऐड कर दिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरा 8 पैकेट जो है
बेस बॉल का वो तैयार हो गया है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फुटबॉल के लिए करेंगे और देन सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे बास्केटबॉल के लिए परफॉर्म करेंगे। वी ऑलरेडी कवर्ड दीज कॉन्सेप्ट इन वेरी डिटेल इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स। होप सो कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोस देख लें। ओके, तो इसके साथ ही हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। डिस्पोज कर देंगे सिस्टम से बाहर, एंटिटीज चली जाएंगी। अब हम इसकी सिमुलेशन रन करते हैं, लेकिन रन करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूँ ताकि हम प्रॉपर वे में इसको मोनिटर कर सकें। और जब मैं अब इसकी सिमुलेशन रन करूँगा, ये देखें, ये मेरे पास एक बेसबॉल आई सिस्टम में और ये बैच के मॉड्यूल में चली जाएगी। अब ये बैच तब तक नहीं होगा जब तक 3 मेरे पास बेसबॉल नहीं आएगी, क्योंकि हमने टाइप जो है वो एट्रीब्यूट डिफाइन की हुई है। देन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ये 3 बॉल्स मेरे पास आ चुकी हैं इस बैच के मॉड्यूल में, लेकिन बैच क्रिएट नहीं होगा क्योंकि तीनों बॉल्स की टाइप डिफरेंट है, 1, 2 and 3, दैट इज। सो अब नेक्स्ट मेरे पास ये देखें 3 बास्केटबॉल जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं इस बैच के मॉड्यूल में। जैसे ही यहाँ पे ये 3 टाइप्स कंप्लीट हुई, इसकी असाइनमेंट होगी बैच की, डिसीजन हुआ इसकी टाइप जो है वो 3 थी और यहाँ से ये पैटिंग ऑर्डर सिस्टम से डिस्पोज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट मेरे पास एक बेसबॉल आई है और ये यहाँ पे अब मेरे पास अभी टोटल 2 डिस्पोज जो हैं वो आ चुकी हैं। देन मेरे पास एक और फुटबॉल आ गया है, अब मेरे पास 2 फुटबॉल और 2 बेसबॉल हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास एक और सिस्टम में बेसबॉल एंटर हुई। अब ये 3 बेसबॉल का बैच हुआ, डिसीजन हुआ इसकी टाइप 1 थी, पैकिंग बेसबॉल में गई और ये सिस्टम से डिस्पोज हो जाएगी। सो इन दिस वे आप परमानेंट बैच को बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट रूल आप डिफाइन कर सकते हैं और उनकी पैकिंग या जो भी आपका प्रोसेस है आप उसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा केस था जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ बॉल्स को पैक किया है यूजिंग द परमानेंट टाइप ऑफ बैच मॉड्यूल। थैंक यू।